हेलो फ्रेंड्स, मन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे, मतलब हमारे यहाँ बच्चों का जो न्योता होता है ना कन्या का, वही है। तो मैं इनके लिए चना बना रही हूँ, चने की सब्जी, और खीर बनाऊंगी, पूड़ी। हम लोग के यहाँ हलवा नहीं चलता, खीर चलती है। तो मैं चना देखिए कैसे बनाती हूँ। मैंने थोड़ा सा आलू भी काट लिया, इसे पता है चने की सब्जी और भी अच्छी बनती है। और ये थोड़ा सा अदरक लिया है, और दो मिर्ची, दो टमाटर, थोड़े से आलू और चने। अदरक और मिर्ची जो है इसको हम कूट लेंगे, और फिर इसमें तो लहसुन प्याज पड़ना नहीं है। माता रानी का भोग बन रहा है। ये देखिए मैंने कुकर में तेल डाल दिया है, और मैं इसी में थोड़ा सा 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा थोड़ा हो जाए, ये देखिए हमारा जीरा चटकने लगा है, हो भी गया है थोड़ा सा। अब मैं इसी में अपना अदरक और जो मिर्ची का पेस्ट लिया है इसको डाल देंगे। जो अदरक और मिर्ची लिया था हमने इसको फेंक लिया है। ये देखिए जो अदरक और मिर्ची जब तक हमारी हो रही है, हम उसमें चने में डालने के लिए अपना मसाला बना लेंगे। मसाले के लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है, और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया, और 1 टीस्पून ही गरम मसाला डालेंगे, और थोड़ी सी हल्दी। आप जितना चना ले रहे हो उस हिसाब से मसाले, अगर थोड़ा कम ज़्यादा है तो थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना। बस क्या है, मैं मसाले को थोड़ा पानी में घोल लूँगी। मसाला घोल के पानी में डालने से क्या है, जलता नहीं है, नहीं तो मसाले हमारे तेल में हम डालेंगे तो मसाले बहुत वो है ना, और प्याज लहसुन भी नहीं है तो ये मसाले जल जाएंगे। पानी में रहेगा तो अच्छे से पक जाएगा, अब जलेगा भी नहीं मसाले में। अदरक और मिर्ची हमारा हो गया है, हम इसमें अब अपने मसाले डाल देंगे जो हमने लिया है। थोड़ा सा मसाला पक के फिर हम इसमें अपना चना डालेंगे। ये देखिए मसाले हमारे हो गए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मसाला हमारा हो गया? ये देखिए मसाला जो है हमारा तेल छोड़ दिया है सारा, तो समझ लो कि मसाला हमारा पक गया, और इसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है मसाले से। अब हम इसमें डाल देंगे जो टमाटर हमने लिया था दो, इसको हमने बारीक काट लिया है। ये देखिए अब इसको डाल देंगे टमाटर। इसी में डाल देंगे अपना आलू और चना जो मैंने काट के लिया है। ये देखिए हमने जो आलू और चने इसमें डाल के टमाटर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप भी इस तरह से बनाओगे। मैं थोड़ा लेट हो गई आपको, मुझे पहले और बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो अगली बार बनाने लें इस तरह से आलू चने की सब्ज़ी। अगर आप बनाओगे ना तो बच्चे बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छी लगेगी उनको, और मांग मांग के खाएंगे, जो सबको बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और अपना कुकर के ढक्कन बंद करके एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे। ये 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, और बस नमक डाल के एक बार इसको फिर से हम चला देंगे। और बस हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, बस इतना ही डालना है। आप लोग देख लीजिए इतना पानी है कि आलू और चने के बराबर ही है, बस इतना ही पानी हमें डालना है। ये देखिए हमने कुकर अपना बंद कर दिया ढक्कन, अब 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे हम। जब तक इसको हम दूसरी गैस पर रख देंगे, और इस पर मैं खीर बना लेती हूँ। ये देखिए हम खीर अपनी बना ले रहे हैं, जब तक चना हमारा बन रहा है। खीर बनाने के लिए ये देखिए दूध हमने अपना उबाल लिया है, अच्छे से दूध हमारा उबल रहा है। और मैंने खीर में डालने के लिए क्या क्या लिया है ये भी आप देख लीजिए। मैंने चावल लिया है, मेरा 2 लीटर दूध था, और मैंने उसमें 1/2 लीटर पानी डाला है, और ये 1/4 किलो के हिसाब से होगा चावल। मैंने वजन तो नहीं किया है, मैं वैसे ही बता रही हूँ, लेकिन 1/4 किलो के हिसाब से होगा।
और ये थोड़ा सा मेवे में किशमिश है, मखाने हैं, 4-6 बादाम, 4-6 काजू और थोड़ा सा गरी है। आपके पास जो मेवा है वही डालना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतने सारे मेवे डालें, आपके पास जो है आप वही डाल के बना सकते हो। ये देखिए चावल को मैंने धुल के रख दिया था, अब मैं चावल डाल दूँगी। दूध हमारा उबल रहा है तो मैं चावल इसमें डाल दूँगी। मैंने चावल को भूंजा नहीं है क्योंकि मैं जल्दी से बना रही हूँ, तो सिंपल ही खीर बना रही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग को, जैसे कभी आप लोग खीर बना रहे हो आपको चावल भूंजने का टाइम नहीं है, तो आप इस तरह से भी खीर बना सकते हो। आप चावल इस तरह से दूध में डाल दीजिए और ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दीजिए। ये देखिए मैं 2 टीस्पून के लगभग, एक छोटा टीस्पून है घी इसमें मैंने डाल दिया है। अब आपको चावल नहीं भूंजेंगे तो भी कोई बात नहीं है, वो घी डालने से वो चावल भूंजने के जैसा ही हो जाता है। चावल बस इसलिए भूंजते हैं कि हमारा चावल जो है बिल्कुल एक एक चावल मेरा अलग रहे खीर में, इसीलिए चावल भूंजा जाता है खीर के लिए। अब मैंने घी डाल दिया है तो ये चावल हमारे एक आपस में बिल्कुल अलग रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब तक ये चावल हमारा पक रहा है मैं इसको ढक दे रही हूँ और मसाले अपना काट लेंगे। ये देखिए खीर हमारी हो गई है, अब हम इसमें जो अपना मसाला लिए थे खीर का उसको डाल देंगे। पहले हम शक्कर डालेंगे। देखिए मैंने एक कटोरी चावल लिया, अरे सॉरी शक्कर लिया है, मैंने जिस कटोरी से चावल लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी शक्कर डाली है। बस खीर हमारी बन गई है, अब हम इसमें मेवे डाल देंगे अपने। मेवे भी हमने, पता है मैंने घी में फ्राई नहीं किया है, मैं ऐसे ही डालती हूँ, घी में नहीं फ्राई किया हुआ, ऐसे ही डाल दिया, अच्छा लगता है ऐसे भी। और मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूँगी। ये देखिए इलायची पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। बस अब इसको इस तरह से चला देंगे। अगर आप चाहें तो मेवे को फ्राई भी करके डाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, अगर आप डालना चाहें तो फ्राई भी करके डाल सकते हैं। बस खीर हमारी बन गई, हम इसको नीचे रख देंगे उतार के। देखिए चने भी हमारे पक गए हैं, 2 सीटी आने तक मैंने इसको पकाया है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए मैं इसको देख लेती हूँ, गरम है, पक गए हैं चने अच्छे से। मैं इसको थोड़ा कलछुल के इस तरह से फेंट दूंगी तो ये जो आलू है ये हमारे इसमें फूट जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, और जो ये मैंने पानी डाला इसमें ये पानी हमारा एकदम गाढ़ा हो जाएगा, चने इससे बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे। ये देखिए चने हमारे पक गए हैं, मैंने इसको थोड़े इसमें जो आलू डाला था इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ये देखिए ये बिल्कुल एकदम गाढ़े बन गए हैं, ये देखिए। और अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल दूँगी, गैस की फ्लेम अपनी बंद कर दूँगी। बस इसको भी अब मैं नीचे रख दूँगी और मैं बस पूरी खाऊँगी, उसके बाद कन्या को खिलाऊँगी। कन्या भी हमारे आ गए हैं, जो खाना है जिसको खाना। ये देखो मैंने पूड़ी भी बना लिया है लेकिन आप लोग को दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे देर हो रहा है बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चे बैठ गए हैं। मैंने बना लिया खीर पूड़ी, आप लोग भी बताना आपको कैसा लगा, आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज़ दोस्तों। अब मैं एंड करती हूँ वीडियो अपना। जय माता दी, फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।